साथियों, हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा, आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनकी संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। इससे युवाओं में इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जैसे विषयों को समझने का विजन पैदा होगा। उदाहरण के तौर पर हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी और उनमें एक दक्षायानी वेलियावुधन वो महिला थी जो एक प्रकार से वंचित समाज से निकल करके वहां तक पहुंची थी। उन्होंने दलितों, मजदूरों से जुड़े कई विषयों पर महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस किए। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसे ही और कई महिला सदस्यों ने भी महिलाओं से जुड़े विषयों पर अहम योगदान दिया था। इनके योगदान की चर्चा कम ही हो पाती है। जब हमारे युवा इन्हें जानेंगे तो उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होगी वो हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश के भविष्य को मजबूत करेगी।